छोटी सी चीते के पैरों की आवाज सुनने वाले वो कृष्ण आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। सबर करो, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर एक पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। अच्छाई की शुरुआत खुद से करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ समझाने की कोशिश मत करो। संबंध बहुत ही अनमोल चीज है, हर किसी से उम्मीद ना रखे, क्योंकि बहुत ही कम लोग दिल का मोल जानते हैं। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। आंख संसार की हर चीज दिखती है, मगर आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य दूसरे की बुराइयां तो देखता है, पर अपने भीतर बैठी बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। जब कल का दिन देखा नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। सदा सुखी कौन है, जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है। उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। ईश्वर तो मेरे बिना भी ईश्वर है, परंतु मैं ईश्वर के बिना कुछ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सामने चाहे हजार हो, किंतु अगर तुम सही हो तो फिर किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ देने का मन हो, वहाँ रामायण शुरू होती है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर
जो भी हो रहा है होने देना चाहिए। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। जब कोई हार और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम है कान्हा। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर भरोसा मत करो, वह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब तुम्हें चलना है खुद के पैरों पर। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो। शरीर जिनकी सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। कर्म बदलिए, किस्मत तो खुद बदल जाएगी। लोग चेहरे को साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नज़र होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नज़र होती है। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा नहीं हो सकता। प्रतीक्षा, देरी, चुनौतियाँ और मार्ग परिवर्तन सभी एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदायी होते हैं लोगों का झूठा लगाव। कभी निराश मत होना, हो सकता है कृष्ण ने तुम्हें हर तरफ से अकेला करके खुद से दोस्ती करने का मौका दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा न किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाएं कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। वो जो मौसम बदलता है वो मुकद्दर भी बदलता है। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रोकर खोनी पड़ेगी। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। एक अच्छी माफ़ी के तीन भाग होते हैं, मुझे क्षमा करें कि मेरी गलती है, मैं इसे सही करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अधिकांश लोग तीसरे भाग को भूल जाते हैं।
सूरत हमारी जैसी भी हो, मन तो भोला भाला है। हर बार ठोकर खाई है हमने, हर बार हमें कृष्ण ने संभाला है। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जिस दिन आपको ये अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह पर खड़े रह जाते हैं जहाँ परमात्मा है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ ही है, जिसमें कभी दुख नहीं मिलता। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान और ना डूबने का डर। धन्यवाद।